जी नमस्कार। आप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संचालन समिति के सदस्य रहे हैं, तो इसके निर्माण प्रक्रिया में योगदान देते हुए जो आपके प्रक्रियाओं के अनुभव रहे हैं वो हम जानना चाहेंगे, और दूसरा कि इसके निर्माण के तात्कालिक सरोकार क्या रहे थे। इस बात को ठीक से समझने के लिए मैं इसको चार सवालों में तोड़ लेता हूं। एक तो प्रक्रिया क्या रही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज बनाने की, दूसरा अनुभव क्या रहे, और तीसरा तात्कालिक सरोकार, और चौथा स्रोत। यदि इस तरह से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रक्रिया के संदर्भ में ये दस्तावेज हमारे पुराने दस्तावेजों से काफी अलग था। इसकी पूरी औपचारिक प्रक्रिया को भी देखें तो भारत में अभी तक सिर्फ 3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज बने हैं, 1988, 2000 और 2005। उससे पहले के जो दस्तावेज थे तब वो उनको आप फॉर्मली राष्ट्रीय दस्तावेज नहीं कह सकते औपचारिक रूप से, क्योंकि शिक्षा राज्यों का मसला था उस वक्त, और एक तरह की सलाहकार दस्तावेज के रूप में जरूर वो प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन इस प्रकार का कोई शिक्षा नीति के तहत नहीं थे वो दस्तावेज। यदि इन तीनों दस्तावेजों को हम देखें तो एक खास बात यह है कि 1988 का दस्तावेज एनसीईआरटी के एक आंतरिक कार्यकारी समूह का बनाया हुआ दस्तावेज था, और बाद में उसको राष्ट्रीय स्तर पर उस पर बहुत सारी गोष्ठियां की गई, बातचीत हुई, टीचर्स से भी बातचीत हुई, लेकिन उसमें लोग जो थे बनाने वाले और लोगों की बातचीत को समाहित करने की जिम्मेदारी जिन पर थी वो सारे के सारे एनसीईआरटी के आंतरिक लोग थे। ठीक यही बात 2000 का दस्तावेज है उसके साथ भी हुई। ये ठीक है कि कुछ प्रगति 2000 के दस्तावेज में ये हुई कि जो रीजनल लेवल पे गोष्ठियां हुई, सेमिनार हुए क्षेत्रीय लेवल पे, वो ज्यादा व्यवस्थित ढंग से और शायद संख्या में भी ज्यादा हुए, और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक से अधिक गोष्ठियां हुई, लेकिन फिर भी वो समूह पूरा का पूरा आंतरिक था। ये जो दस्तावेज है ये उससे बहुत भिन्न था प्रक्रिया में। पहले तो इसमें एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसमें लगभग 35-36 लोग थे उसमें, और एनसीईआरटी के लोग शायद 5-6 ही थे, तो बाकी सब लोग बाहर से थे। इससे एक बात ये भी हुई कि किसको आप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में राय देने की के काबिल मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं, ये दायरा काफी खुल गया। तो इसमें साहित्यकार थे जिन्होंने शिक्षा में कभी हो सकता है औपचारिक शिक्षा में सीधा काम नहीं किया, ऐसे लोग थे, तो एक तो स्टीयरिंग कमेटी थी, लेकिन एक इससे भी बड़ा ग्रुप था, क्योंकि इस दस्तावेज के साथ साथ ये महसूस किया गया था कि कोई भी पाठ्यचर्या दस्तावेज जब बनता है तो उसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारा विभिन्न विषयों का ज्ञान उनके, और बहुत सारे मुद्दों का क्या राष्ट्रीय सहमति है वो भी उसकी झलक आनी चाहिए, और इसलिए इसके साथ साथ 18 या 19 पोजिशन पेपर भी बने। तो हर पोजिशन पेपर में एक चेयरपर्सन और उसके साथ शायद 10 से लेके 13-14 तक के नेशनल फोकस ग्रुप भी बने। तो इस तरह से जो कुल लोग शामिल हुए इस पूरी प्रक्रिया में वो कोई 350-400 लोग डायरेक्टली शामिल हो गए, या तो फोकस ग्रुप पेपर्स पे या स्टीयरिंग कमेटी में। तो ये तादाद काफी बड़ी थी। फिर ये जो मीटिंगें होती थी इसके वो अलग अलग जगह पर हुई, स्टीयरिंग कमेटी की भी और फोकस ग्रुप पेपर जो थे उन्होंने तो की जानबूझ के। तो एक तरह से सारे देश में इतने सारे 18 पोजीशन पेपर्स की मीटिंग हो रही है और मूल दस्तावेज की मीटिंग हो रही है, इसलिए बात लोगों की नजर में आ गई।
और फिर उनकी मिनट्स और कुछ जो भी दस्तावेज बन रहे थे वो प्रक्रिया के साथ साथ ही इंटरनेट पर रख दिए गए थे, तो उस पर लोग उसको पढ़ते थे और सलाह देते थे। इसकी जो फाइनल ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें भी एनसीईआरटी के लोग एक दो ही थे और बाहर के और लोग थे। इंटरप्रिटेशन ये था इस सारी चीज में कि एनसीईआरटी का नाम ही नेशनल काउंसिल है, तो काउंसिल का मतलब ये नहीं होता है कि वो कोई डिपार्टमेंट है जो इंटरनली सब कुछ कर लेगा, वो तो एक प्रकार की काउंसिल है जो सारे राष्ट्र को उसमें शामिल करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि प्रक्रिया में ये भावना इस दस्तावेज में काफी साफ तरीके से और घोषित रूप में इसका पालन। अखबारों में भी छापे गए थे, जैसे मुझे याद है पाठ्यचर्या का जो फोकस ग्रुप था उसका एक पूरा विज्ञापन छपा था कि आपके जो इस पे कमेंट्स हैं वो आप हमें इनके बारे में करके भेजिए, तो और एक दूसरे तरीके से शायद इसको लोगों के बीच में ले जाने की प्रक्रिया भी चली। हाँ, इसकी एक सजग कोशिश ये हुई थी कि जो जिनको हम पारंपरिक तौर से शिक्षा से संबंधित लोग मानते रहे हैं, सिर्फ पूरी बातचीत वहीं तक शामिल नहीं रहे, बातचीत उससे आगे जाए। ये शिक्षा के सिद्धांत और एक डेमोक्रेसी में शिक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त बात थी। एक्चुअली जॉन व्हाइट ने एक पर्चे में काफी डिटेल में ये इस बात के लिए आग्रह किया है और तर्क दिए हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जैसे दस्तावेजों के कुछ हिस्से, खासकर उद्देश्य और किन मूल्यों को लेके शिक्षा को आप संचालित करना चाहते हैं, ये राष्ट्र का कोई एक तबका तय नहीं कर सकता, और इसमें राजनीतिज्ञ, शिक्षक, माता पिता, क्योंकि राष्ट्र की शिक्षा राष्ट्र के हर व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालती है और इसलिए ये सबके लिए खुला है, एक्सपर्ट्स के हाथ में नहीं दे सकते। तो इस दस्तावेज में ये कोशिश हुई, इस दस्तावेज की प्रक्रिया में। इसके अनुभव तो ये एक तरह का व्यक्तिगत सवाल भी है, क्योंकि इस प्रक्रिया में शामिल सब लोगों के अनुभव जरूरी नहीं है कि एक जैसे हुए हों। तो मुझे जो इसमें सारी बातचीत लगी, एक चीज जो इसमें ध्यान आकर्षित करती थी वो जितनी भी बैठकें हुई स्टीयरिंग कमेटी की और फोकस ग्रुप्स की, मैं एक फोकस ग्रुप का भी चेयरपर्सन था, इसलिए उसके अलावा, लेकिन उसके अलावा भी मैंने और फोकस ग्रुप्स के मीटिंगों में भाग लिया है, जो चर्चाएं होती थी वो काफी संजीदगी से होती थी और ऐसा नहीं था कि जैसा अमूमन अपने यहाँ होता है कि आपने जो कहा हाँ आप भी ठीक कहते हैं मैं भी ठीक कहता हूँ, वो जो एक से अधिक पोजीशंस थी तो वो आर्टिकुलेट की गई, उन पर चर्चा हुई, उन पर बहस हुई, और जब आप राष्ट्रीय दस्तावेज बनाते हैं तो आखिर में एक सहमति तो बनाई नहीं होती है वरना बात आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन उस सहमति बनाने की प्रक्रिया में जो सैद्धांतिक मुद्दे थे वो उजागर हुए और जो असहमतियां थी वो भी उजागर हुई, और उन असहमतियों से आगे बढ़ के फिर सहमति कैसे बनाई जाए। हमेशा ऐसा होता है कि जब आप दो अलग अलग पोजीशन लेते हैं और उसमें आपको सहमति बनानी हो तो आपको थोड़ा सा उन दोनों से ऊपर उठ के अधिक जनरल प्रिंसिपल पर पहुंचना होता है, अधिक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचना होता है, तो ये प्रक्रिया वहां बहुत साफ थी। दूसरी बात, लोगों में बहुत उत्साह था। कुछ दूसरी बातें भी हैं, मतलब इस प्रकार की प्रक्रियाएं हमेशा ही एकदम साफ सुथरे ढंग से नहीं चल सकती हैं। एक जो बड़ी समस्या मुझे लगी वो ये लगी कि समय बहुत कम था और इसलिए लगातार समय का दबाव लोगों पर रहता था, तो एक दो दिन की मीटिंग है और उसमें आपके पास 10 मुद्दे हैं और उसमें सारे लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, उस पर ढंग से विवेचना भी करना चाहते हैं, तो कई बार उसमें जरूर थोड़ी समस्या लगती थी, लेकिन बाद में अगली मीटिंग में उसके लिए लोग नोट्स लेके आते थे, बीच में ईमेल पर बातचीत होती थी, इनफॉर्मल बातचीत होती थी। उस सब के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा काम करने के लिए
जो समय दिया गया था वो बहुत कम था। मेरा अपना अनुभव ये है कि आप इतने बड़े स्तर पर यदि किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज को रिव्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1.5 से 2 वर्ष चाहिए, और इसमें शुरू में तो बहुत ही कम समय दिया गया था। मुझे ठीक से याद नहीं है, कहीं एनसीईआरटी के दस्तावेजों में मिल जाएगा आपको, शायद 6-7 महीने ही दिए गए थे, हालांकि बाद में इसको साल भर लग गया था, लेकिन आपको घोषित रूप से 1.5 वर्ष की जरूरत पड़ती है। तो ये एक और चीज थी इसमें। इंटरेक्शन बहुत सारे लोगों से हुआ, टीचर्स वगैरह से, वो भी अच्छा अनुभव रहा। अब यदि हम इसके सरोकारों पर आए तो ये भी मुझे लगता है कि लोग अलग अलग अंदाज में देखेंगे। इसके साथ में सवाल ऐड कर देता हूँ, वो सवाल ये है कि आपने कहा कि 1988, 2000, 2005 तीन जो शिक्षाक्रम के दस्तावेज बने, तो एक आपने प्रक्रिया के फर्क, मतलब प्रक्रिया को आपने 2005 के संदर्भ में कहा, तो ये जो बाकी के थे उनके में भी कहा, लेकिन क्या इनके सिद्धांतों और सरोकारों में भी कोई फर्क है क्या? ये तीन दस्तावेज जो 2005 में बना वो इनसे किस तरीके से भिन्न आप इसको देखते हैं? देखिए, सिद्धांतों और सरोकारों का जो फर्क है वो प्रक्रिया और अनुभव से नहीं आ सकता, वो उनके अध्ययन से आएगा। तो उसको, उस सवाल को जोड़ना है तो हम उस पर बात कर सकते हैं, और तीनों में कुछ समानताएं हैं, कुछ भेद हैं, उनकी बात अपन कर सकते हैं, वो उपयोगी भी है। लेकिन पहले यदि उस वक्त जो सरोकार थे सीधा सीधा उनकी हम थोड़ी बात करें और उसके बाद इसको जोड़ लेंगे। तो जो पत्र लिखा गया था MHRD से, उसमें एक बात यह कही गई थी कि 1993 में शिक्षा बिना बोझ के जो यशपाल कमेटी की रिपोर्ट छपी थी वो कुछ चीजें की तरफ ध्यान आकर्षित किया था, और उसमें पाठ्य पुस्तकों से लेके पाठ्यक्रम और कक्षा में किस तरह से पढ़ाया जाए इस पर कुछ रिकमेंडेशंस थी, और हमारे दस्तावेजों में उसकी मोटी मोटी स्वीकृति के बावजूद भी वो चीजें नहीं हुई थी। तो एक सरोकार जो था वो तो आप उसको शिक्षण शास्त्रीय सरोकार कह सकते हैं, जिसमें बच्चे को कितना पढ़ाएं, उस पर बोझ कितना हो, समझ में कितनी गहराई से जाएं, क्लास में पढ़ाने का तरीका क्या हो, पाठ्य पुस्तकें कैसी हो, तो एक आप बहुत स्ट्रॉन्ग शिक्षण शास्त्रीय सरोकार कह सकते हैं। दूसरा आप पाएंगे इस दस्तावेज के आखिर में, शायद वो चिट्ठी है कहीं, दूसरा आप पाएंगे कि उसमें हमारे संविधान की भूमिका जो है वो उसका काफी बड़ा हिस्सा उस पत्र में उद्धृत है, और वो बहुत स्पष्ट रूप से जो दूसरा सरोकार को रेखांकित करता है वो था कि शिक्षा को प्रजातंत्र, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय और बराबरी के मसलों से और गहराई से जोड़ने की जरूरत है जितना हम अभी तक कर पाए हैं, और वो दोनों दृष्टि से, शिक्षा के बारे में हम जिस नजरिए से सोच सकते हैं उस नजरिए में भी, और शिक्षा पर हम जिस तरह से काम करते हैं और बच्चे जितना सीख पाते हैं उसमें समानता लाने की और सामाजिक न्याय लाने की बात भी, ये दूसरा सरोकार उसमें काफी महत्वपूर्ण था। मुझे ऐसा भी लगा कि जो अलग अलग समूह बने थे पोजीशन पेपर्स के लिए वो और स्टीयरिंग कमेटी इन दोनों सरोकारों को लेके बहुत जागरूक थी, और लगातार इस पर बातचीत हुई इस सारे दस्तावेज निर्माण की प्रक्रिया में। जहां तक स्रोत और संदर्भ वगैरह का सवाल है तो ऐसे दस्तावेजों में एक कोई भी राष्ट्रीय दस्तावेज आप बनाएंगे तो एक तो उसके स्रोत और संदर्भ उस देश की शिक्षा नीति होती है, और इसलिए शुरू से स्वतंत्रता के बाद जितने भी कमीशंस बने उनकी रिपोर्ट्स एक स्रोत के रूप में इसमें काम में आई, और उसमें यशपाल कमेटी की वो जो रिपोर्ट थी वो भी उसका हिस्सा थी। दूसरा, पाठ्यक्रम कहीं कहीं वैक्यूम में तो बनते नहीं है, तो उससे पहले के भी दस्तावेज होते हैं, तो जितने भी दस्तावेज राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए थे जहां तक मेरी जानकारी है पहला दस्तावेज 1975 में बना था, एनसीईआरटी ने पूरे राष्ट्र के लिए जो कोशिशें की थी वो सारे दस्तावेज भी उसके संदर्भ सामग्री का हिस्सा थे।
जो तीसरी चीज होती है वो जो अध्ययन हुए हैं उस देश में शिक्षा को लेके, उसकी प्रक्रिया को लेके, बच्चों के सीखने को लेके, कौन से बच्चे स्कूल आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, सीखने में कितना भेद है लड़के लड़कियों में या जातियों के आधार पर, तो वो सब बातचीत उसमें थी। और बहुत बड़े स्तर पर जो लोग थे, क्योंकि वो विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्रकार के शिक्षाविद, पत्रकार और साहित्यकार थे, इसलिए उनका अपना जो साहित्य था उनके विषयों से संबंधित, दुनिया भर में जो भी रिसर्च हो रही थी अलग अलग विषयों में, उदाहरण के लिए हम ये कहें कि मैथमेटिक्स पेडागोजी पर जो पेपर था, मैथमेटिक्स एजुकेशन पर, उन लोगों ने जो भी रिसर्च मैथमेटिक्स को पढ़ाने में हो रही है उसका उपयोग किया। तो जो शैक्षिक साहित्य है थ्योरी को लेके, वो भी सारा इस संदर्भ का हिस्सा था, उन सबको काम में ला सकते थे। और लेकिन मुझे जो बात महसूस हुई वो ये हुई कि भारतीय संदर्भ में हमारी नीतियों को इसके सारे कार्यक्रम में केंद्र में रखा गया था। अब आपने जो सवाल पूछा था कि इन तीनों के सरोकार में किस प्रकार का भेद है, तो बाकी की प्रक्रियाओं के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन तीनों दस्तावेजों को यदि आप साथ पढ़ के देखें तो मेरी कुछ मान्यताएं हैं। ये अब थोड़ा एकेडमिक सवाल हो गया है और कोई भी एकेडमिक सवाल का एक जवाब नहीं होता, उसके एक से अधिक जवाब होते हैं। तो कोई दूसरे व्यक्ति से आप बात करेंगे तो वो शायद दूसरे ढंग से इसका जवाब दे, लेकिन मेरा एक ख्याल है कि 1988 के दस्तावेज पर शिक्षा राष्ट्र निर्माण के लिए और व्यक्ति को राष्ट्रीय संसाधन के रूप में देखना बहुत रेखांकित हो गया है, उस पर बहुत जोर दिया गया है। और जो दूसरी बात उसमें उभर के आती है, एक तो राष्ट्र निर्माण के लिए और आर्थिक उन्नति के लिए राष्ट्र के जितने भी प्रक्रियाएं हैं सामाजिक बदलाव की, उसमें योगदान के लिए, उसमें एक से अधिक जगह ये वाक्य है कि एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज और एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल प्रोग्रेस। तो शिक्षा के उद्देश्यों को और शिक्षा को पूरी तरह से राष्ट्रीय उद्देश्य या गोल्स जो हैं उनको प्राप्त करने के इंस्ट्रूमेंट के रूप में उसमें देखा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोठारी कमीशन की रिपोर्ट जो है उसकी छाया उसको बहुत गहरी है।